मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र 40 से तीसरी बार विजय हुए भाजपा विधायक अनिल जैन के जन्मदिन के अवसर पर आज उनके निवास पर सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ साथ क्षेत्र भर से आए लोगों का हुजूम बधाई देने उमड़ पड़ा। विधायक अनिल जैन का 58वां जन्मदिन को खास बनाने विधायक निवास पर सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही दिन की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, निवाड़ी हाईवे 83 से लेकर रेलवे स्टेशन तक नगरवासियों द्वारा ढोल नगाड़े एवं बातिशबाजी कर अपने चहेते विधायक अनिल जैन की अगवानी करते हुए जगह जगह पुष्प गुच्छे एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। जन्मदिन के मौके पर नगर एवं क्षेत्रवासियों द्वारा मिले ऐतिहासिक प्यार और स्नेह पाकर विधायक अनिल जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से मैं अपने जिलेवासियों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मेरे जन्मदिन के अवसर पर ऐसा अवसर मनाकर, ऐतिहासिक जन्मदिन मनाकर मेरा निश्चित रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और मैं क्षेत्रवासियों के लिए भी प्रभु श्री रामराजा सरकार के चरणों में निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्रवासियों पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे, उमंगों से भरे रहें, स्वस्थ बने रहें। और निश्चित रूप से आज का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है जब क्षेत्रवासियों ने मेरे जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न जगह पे, चाहे वो सरपंच संघ ने हो, चाहे वो जनपद सदस्यों के द्वारा हो, व्यापार संघ के द्वारा हो, अनेकों जगह और अन्य संस्थाओं के द्वारा हो, मेरे युवाओं के द्वारा हो, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हो, पूरे जनमानस ने जिस भाव के साथ मेरा जन्मदिन मनाया, मैं तो निश्चित रूप से सदैव उनका आभारी रहूंगा और ईश्वर से हमेशा ही प्रार्थना करूंगा कि वो क्षेत्र हो या मेरे कार्यकर्ता हो या अन्य सारे साथी शुभचिंतकों को, उनको स्वस्थ और शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमेशा स्वस्थ सदैव बने रहें। मैं अपने नगरवासियों का शुभकामनाओं के लिए, विधायक जी की जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिए जो जो उन लोगों ने बधाई दी, उन सभी के लिए मैं आभारी हूँ और उन सभी का धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने इतनी प्यार भरी शुभकामनाएँ विधायक जी को दी। आज हमारे निवाड़ी जिले के यशस्वी लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन जी का जन्मदिन है, जो तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के साथ आए हुए हैं और उन्होंने निवाड़ी में विकास की गंगा बहा दी है, इसलिए इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और भगवान करे वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ऐसी विकास की गंगा बहाते रहें। निवाड़ी से यूडी न्यूज के लिए रफत जाफरी की रिपोर्ट।